हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन प्रश्नों में हम बात करेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की खोज किसने की और इसके स्रोत क्या है। तो दोस्तों, हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 सेकंड दिया जाएगा। आप 3 सेकंड में आंसर दीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर देंगे। सबसे पहले कीजिए माइंड को फ्रेश, फिर उसके बाद दीजिए टेस्ट। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजार। तो अब चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जवाब आपके दिमाग में। अगर ऑप्शन में से कोई आपका उत्तर है तो आप उत्तर दे डालिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए हुंक, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, विटामिन की खोज हुंक ने की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके पास 3 सेकंड है, आप उत्तर सोच समझ कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन ए हुंक, तो विटामिन शब्द की प्रयोग सर्वप्रथम हुंक ने की थी। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप उत्तर सोच समझ कर दीजिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए थायमिन, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन बी की खोज किसने की थी? दोस्तों, विटामिन बी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? आपको उत्तर पता है तो आप उत्तर दीजिए, नहीं तो हम आपको उत्तर बताते हैं। ऑप्शन ए हुंक ने विटामिन बी की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उत्तर है बेरी बेरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है? ठीक है, उसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन धूप का विटामिन कहलाता है? उसका बहुत ही सही जवाब, बहुत ही सरल जवाब है विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित आर्गेस्ट्रॉल को किस विटामिन में बदलता है? दोस्तों, आर्गेस्ट्रॉल शब्द को याद रखिए, इसका सही उत्तर है विटामिन डी। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है दोस्तों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्कर्वी रोग को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये नाविक के साथ आया था, ठीक है, वास्को डी गामा एक नाविक थे, उनके साथ आया था, इसलिए स्कर्वी रोग को नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है? दोस्तों, विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है। एस्कार्बिक अम्ल होता है, ठीक है, यह एक रासायनिक नाम है। ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? का उत्तर है विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थायमिन का दूसरा नाम क्या है? थायमिन किसी विटामिन का रासायनिक नाम है, आपको इसका देना है विटामिन का नाम, तो विटामिन B1 थायमिन का उत्तर है। इस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो जनन क्षमता को कम कर देता है? उसका सही उत्तर है विटामिन ई, के कारण जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपके पास 3 सेकंड है, आप उत्तर सोच समझ कर दीजिए। सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है, उपयुक्त दृष्टि ज्ञान के लिए आवश्यक विटामिन है, तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, उपयुक्त दृष्टि ज्ञान के लिए आवश्यक विटामिन ए है। लंबे समय तक निकोटीन अम्ल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आप उत्तर सोच समझ कर दीजिए, उसका सही आंसर है पेलाग्रा। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, यानी कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है गाजर, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है।
चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है। वैसे तो सभी खट्टे पदार्थ विटामिन सी के स्रोत हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? ठीक है, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई का सेवन करेंगे तो आप सुंदर दिखने लगेंगे। कौन सा विटामिन कोरोना वायरस से बचाता है? आज के दौर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसके बचने के लिए विटामिन सी का सेवन करें, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी को तेज करती है। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों, गोल्डन धान को ब्राउन राइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विटामिन ए, गोल्डन धान में पाया जाता है। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वैसे तो लगभग 3-4 विटामिन हैं जो कि हरी मिर्च में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? तो उसका सही उत्तर है विटामिन सी। ठीक है, एस्कैरिक एसिड हरी मिर्च में पाई जाती है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा में विटामिन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप सुनिए और जवाब दीजिए। सही आंसर है विटामिनोलॉजी। चलिए, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, वो दोनों भाग कौन कौन से हैं? आपको सही उत्तर देना है ऑप्शन सी, विटामिन ए और बी, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। निम्नलिखित में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक है, वो इसका सही आंसर आप चुनकर ऑप्शन में से दीजिए। विटामिन को आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को बाजपन रोधी विटामिन कहा जाता है? आपके पास 3 सेकंड है और आप 3 सेकंड में ऑप्शंस को चुनिए और उत्तर को कमेंट में कीजिए। तो विटामिन ई बाजपन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो केवल दूध अंडा और अनाज पर निर्वहन करता है, यानी कि जीवन यापन करता है, उसे कौन से रोग का खतरा रहता है? इसका सही आंसर है स्कर्वी रोग। ये आगे की निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोथाम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? दोस्तों, प्रोथाम्बिन एक पदार्थ है जो कि रुधिर का थक्का बनाने में काम करता है। इससे आपको आंसर का पता लग चुका होगा। इसका सही आंसर है विटामिन के।